लाइन से आप देख सकते हो वर्षा शे, केल्विन केन, मार्क जेकोस, बहुत सारे परफ्यूम यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ से जो है ये वर्षा शे का लिया है परफ्यूम, जो है ना ये ऑफ वाइट वाले टी शर्ट काफी चल रहा है। यहाँ पे आपको सारे ब्रांडेड शूज की कॉपी मिल जाएगी, ये आप देख सकते हो डियोर का है, लुई विटोन का है, फिर यहाँ पे नाइकी के है, तो भी कार्टियर या फिर वैन क्लीफ और ये सारी ब्रांड रहती है, उसके बैंगल वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें सारे ब्रांड के कपड़े की कॉपी मिलती है, फर्स्ट कॉपी। तो यहाँ पे गोल्ड की शॉप कुछ इस तरह से दिखती है, आप देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त ऋतिक और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का सीन जो है वो कुछ इस हिसाब से, तुम्हारा भाई जो है वो अभी 15 दिन के बाद जाने वाला है इंडिया। तो इंडिया में जो है काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई हुई है और आज है संडे का दिन, तो अभी हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आए यहाँ पे द मॉल थापरा में आए, जो कि अभी नया नया रिनोवेशन करके बनाए, मतलब थोड़ा टाइम हो गया रिनोवेट हुए हुए, लेकिन अभी अराउंड 4-5 महीने हुए इसको रिनोवेशन किए हुए। पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन रिनोवेशन के बाद काफ़ी अच्छा मॉल गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ मिलती है तो यहाँ से शॉपिंग करेंगे, लेकिन अगर यहाँ से नहीं मिलती तो इसके बाद हम लोग MBK जाएंगे। मेरा फ्रेंड भी जो है वो भी इंडिया जाने वाला है, तो उसको भी शॉपिंग करनी थी, तो उसको भी साथ में लेके आया हूँ। तो चलिए जाते हैं और आपको भी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलती है और आज हम लोग क्या क्या शॉपिंग करते हैं। ये मॉल में जो है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऐसे फर्स्ट फ्लोर पे आप नीचे देख सकते हो, ऐसा कुछ ना कुछ सेल ऑलवेज रहता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अड्डा शूज जो है ADA, उसका यहाँ पे सेल लगा हुआ है वो है, और गैम्बल करके कंपनी है उसका सेल यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे सेल लगते रहते हैं, तो यहाँ पे जो है वो ऐसी सारी चीज़ें जो सेल में रहती है वो थोड़ी चीपर प्राइस में मिल जाती है। तो कभी भी आप ऐसे मॉल में जाओ तो आप चेक करना, कुछ ना कुछ जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे या तो फर्स्ट फ्लोर पे ऐसी चीज़ें जो है इनका सेल लगा रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आ गए शूज़ के डिपार्टमेंट में। यहाँ आप देख सकते हो इधर सारे प्रोफेशनल शूज़ मिलते हैं, यहाँ पे जो है वो हस पपीज के शूज़ मिलते हैं, ये आप देख सकते हो सारे यहाँ पे प्रोफेशनल शूज़ है। शूज़ के बीच में यहाँ पे कार भी रखी हुई है, कप्स के वॉलेट पर्स वगैरह मिल रहा है, ये सारे पर्स। हमारे भाई को ये वाला पर्स जो है वो पसंद आया है। कितने का है? 1200। बस सिर्फ 1200 बाटे? कैसा है दीका? अच्छा सही है, 1200 में ले ले। मैं गरीब हूँ। ये पूरे फ्लोर पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे ब्रांड्स जो है उसके छोटे छोटे आउटलेट आए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह ही मिलते हैं। ये फ्लोर पे कपड़े हैं, फिर सब बैग्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें। ये जो हम लोग जो डिपार्टमेंट में आए यहाँ पे सारी जेंट्स की ही चीज़ें, बाकी लेडीज़ का तो यहाँ पे हर जगह पे मिल जाता है, जेंट्स का थोड़ा मिलना डिफ़िकल्ट होता है। तो लेकिन यहाँ पे ये मॉल में जो है जेंट्स का एक अलग से ही डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ चूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये सारे अलग अलग ब्रांड यहाँ पे आए हुए हैं, एरो वगैरह, तो काफ़ी सारे ब्रांड है। तो यहाँ पे अगर आपको कपड़े वगैरह लेने हैं तो सब तरह के कपड़े जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारे जो ब्रांड्स है उसके परफ्यूम मिल जाएंगे। ये यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो गुच्ची का परफ्यूम मिल रहा है, उसके अलावा मार्क जेकॉब का है, केल्विन केन का है, लाकोस्टे का है, तो ये सारे परफ्यूम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन से आप देख सकते हो वर्षा शे, केल्विन केन, मार्क जेकॉब, बहुत सारे परफ्यूम यहाँ पे रखे हुए हैं। पूरा अलग से इन लोग ने परफ्यूम का डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सब ब्रांडेड आइटम के परफ्यूम जो है वो देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पे हुगो बॉस के परफ्यूम देख रहे हैं, अगर इसमें से कुछ अच्छा लगा तो हम लोग यहाँ से इसमें से कोई एक परफ्यूम लेंगे। अभी देख रहे हैं स्मेल कैसी है कैसी नहीं, अगर कुछ पसंद आता है तो फिर लेते हैं बाद में। वहाँ पे जो है हुगो बॉस के दो ही परफ्यूम अवेलेबल थे, दो ही फ्रेग्रेंस में, तो अभी ये जो सेल्स पर्सन है हमको यहाँ पे लेके आई है। तो यहाँ पे सब पोलो वगैरह के भी परफ्यूम रखे हुए हैं, आप देख सकते हो सारे पोलो के परफ्यूम है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये टेस्ट कर रहा है, अगर इसको कुछ पसंद आता है तो फिर यहाँ से लेगा वो।
तो ऐसा कुछ अगर आपको परफ्यूम वगैरह लेना है तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह के ये परफ्यूम है, एक तो परफ्यूम आता है वो, और एक तो टॉयलेट भी आता है वैसा। तो परफ्यूम में क्या होता है कि परफ्यूम की फ्रेग्रेंस जो है वो थोड़े लंबे टाइम तक रहती है, और जो टॉयलेट आता है उसका जो स्मेल है वो इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहता नहीं है। तो लोग यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग ब्रांड के, पहले तो हुगो बॉस का देखा, फिर हमने ये पोलो का परफ्यूम देखा, राफ लॉरेन का देखा, और उसके बाद अभी हम लोग वर्षाशे का देख रहे हैं। देखते हैं कि इसमें क्या अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है और फ्रेग्रेंस किसकी अच्छी है, उस हिसाब से फिर बाद में लेते हैं। A few moments later, यहाँ से जो है ये वर्षाशे का लिया है परफ्यूम, ये 50 ml का है, ये अराउंड 2500 का पड़ा है। एक्चुअली वो मेरा फ्रेंड है, वो कन्फ्यूज था थोड़ा, ये वर्षाशे का ले या तो फिर राफ एंड लॉरेन का ले, लेकिन फिर बाद में लास्ट में इनको सेल्स पर्सन को पूछा तो वो बोले कि वर्षाशे का अच्छा रहेगा, तो फाइनली उसने ये वर्षाशे का परफ्यूम लिया है ये वाला। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो आपको भी यहाँ से परफ्यूम लेना है तो आप लेके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आपको हैंड कैरी करना है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हैंड कैरी में 100 ml तक ही अलाउ होता है। 100 ml से ज़्यादा का परफ्यूम होगा तो वो वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर आप कहीं पे फ्लाई कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि 100 ml या तो उससे कम का ही परफ्यूम की बोतल आपके हैंड कैरी में होना चाहिए। बाकी तो आप चेक इन में तो कितने भी ml का परफ्यूम डाल सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम, बट आपको अगर हैंड कैरी कर रहे हो तो 100 ml से कम का जो परफ्यूम की बोतल रहेगी वही आप हैंड कैरी कर सकते हो, अदरवाइज वो लोग जो है वो सिक्योरिटी चेक इन में निकाल लेंगे आपका परफ्यूम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो ये मॉल के ग्राउंड फ्लोर पे जो है यहाँ पे सब गोल्ड की शॉप आई हुई है अलग अलग, एक लाइन में आप देख सकते हो सारे गोल्ड की शॉप है। तो यहाँ पे गोल्ड की शॉप कुछ इस तरह से दिखती है, आप देख सकते हो। तो अगर आपको गोल्ड वगैरह लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो किसी भी शॉप से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ज़्यादातर 23 कैरेट का गोल्ड मिलता है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझे पूछते हैं कि कहाँ से ले, तो आप यहाँ पे कोई भी शॉप से गोल्ड ले सकते हो। देखो तो ये वाली शॉप से आप कहीं से भी गोल्ड ले सकते हो, यहाँ पे ज़्यादातर 23 कैरेट का गोल्ड मिलता है। अगर आपको प्योरिटी वगैरह में आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा तो यहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी शॉप रहती है और फैक्ट्रियाँ भी रहती हैं जहाँ पे आप जो है वो गोल्ड टेस्ट करवा सकते हो। ज़्यादातर तो ये लोग इतना गोल्ड में फ्रॉड वगैरह करते नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग फ्रॉड वगैरह करेंगे तो उसकी कंपनी का नाम खराब होगा, इसलिए जो है वो जितना बोलते हैं उतना ही गोल्ड देते हैं। 23 कैरेट रहेगा तो 23 कैरेट का ही आपको प्योरिटी मिलेगा, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। तो ये यूनिक्लो करके ब्रांड है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो चलिए अंदर जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का कपड़े मिलता है। हम लोग ज़्यादातर यहाँ से कपड़े लेते हैं और इसकी प्राइस जो है वो चीपर रहती है दूसरे ब्रांड के कंपेयर में, और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा रहता है। इधर काफ़ी बड़ी शॉप है और ये जो ब्रांड है यूनिक्लो वो काफ़ी फेमस है यहाँ पे थाईलैंड में, फिलीपींस और जो भी एशियन कंट्री है वहाँ पे काफ़ी फेमस है। तो अगर आपको ऐसे कुछ थोड़े ढंग के कपड़े लेने हो तो आप ऐसे यूनिक्लो में आ सकते हो, थोड़े सस्ते भी मिल जाएंगे और एक ब्रांड का ब्रांड भी हो जाएगा और क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है वो लेडीज़ का अलग से डिपार्टमेंट है, जेंट्स का अलग से डिपार्टमेंट है, और फिर चिल्ड्रंस का अलग से डिपार्टमेंट है। देखो कितना बड़ा है। फिर यहाँ से आपको जो है वो VAT का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो जो भी कुछ आप यहाँ से लोगे उसमें आपको 7% VAT का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि आप एयरपोर्ट से जो है वो VAT रिफंड ले सकते हो उसका। तो ये भी आपको एक और फ़ायदा हो जाएगा। अभी ये VAT कैसे लेना है उसके ऊपर मैंने जब मैंने लैपटॉप लिया था तभी मैंने आपको पूरी डिटेल में VAT के ऊपर आपको डिस्कशन करके बताया था कि कैसे VAT लेते हैं और VAT रिफंड कैसे लेते हैं। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ऊपर आई बटन पे भी वो वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप VAT की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो। तो ये पूरा लेडीज का डिपार्टमेंट है, तो कल डिपार्टमेंट में हम लोग आ गए। पूरा फ्लोर जो है वो लेडीज के कपड़ों का ही आप देख सकते हो। चलिए फटाफट से यहाँ से भागते हैं, अगर वाइफ रहती है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन वो लौंडे रहता है तो थोड़े शर्म आती है लेडीज के डिपार्टमेंट में, इसलिए यहाँ से अभी जा रहे हैं वापस ऊपर। चल रहे कितना देखेगा लेडीज का डिपार्टमेंट। देखो इसका मुंह देखो, बड़ा हरामी हो बेटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मॉल था अपना, मैं तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें ली, अभी इतना कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पे, तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं MBK मॉल।
तो चलिए चलते हैं यहाँ से एमबीके मॉल, और एमबीके मॉल में मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग क्या क्या परचेज कर दें और वहाँ पर कुछ नई चीज़ें आई है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं एमबीके। A few moments later. तो फ्रेंड्स अभी हम लोग MBK में आ गए हैं। आप देख सकते हो कितना पब्लिक है यहाँ पे। जब से थाईलैंड ओपन हुआ है इधर लोग काफी आ रहे हैं, तो इसलिए काफी भीड़ है यहाँ पे। तो चलिए इधर देखते हैं, कुछ अपने लायक चीज मिलती है तो लेते हैं यहाँ से। ये देखो ये यहाँ पे पूरी सुविनियर शॉप करके है, यहाँ पे आपको सारे सुविनियर मिल जाएंगे छोटे छोटे, आप किसी को गिफ्ट के हिसाब से लेके जाना चाहते हो तो देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे सारी घड़ियाँ भी रखे हुए हैं, सब ये 400-400 बाट की घड़ियाँ है। तो इधर से आपको घड़ी वगैरह कुछ लेना है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वो भी रिजनेबल प्राइस में। यहाँ पे लेडीज लोगों की भी घड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। ये यहाँ पे पूरा ये स्ट्रीट शॉपिंग जैसा है, जो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। यहाँ पे हम लोग आए, अभी जो है ना ये ऑफ वाइट वाले टी शर्ट काफ़ी चल रहे हैं यहाँ पे, और फॉरेन कंट्री में भी देख सकते हो ऐसे वगैरह हैं कुछ अलग अलग प्रिंट में। यहाँ पे आपको सारे ब्रांडेड शूज की कॉपी मिल जाएगी, ये आप देख सकते हो डियोर का है, लुई विटॉन का है, फिर यहाँ पे नाइकी के है। तो MBK में आपको सारे जो ब्रांड के शूज़ रहते हैं उसकी कॉपी मिल जाएगी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, सारी कॉपी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं यहाँ से, पूछते हैं प्राइस क्या है। ये वाला अच्छा लग रहा है, ₹1700 का बोल रही है, देखते हैं अगर कुछ डिस्काउंट करती है। आंटी जी पहना रही है शूज़, ये वाला शूज़ पसंद किया है, देख सकते हो फर्स्ट कॉपी है। एक का ये वाला शूज़ लिया और एक ये मेरे फ्रेंड ने ये वाला शूज़ लिया, तो टोटल हमने लिए 2 शूज़। अभी देखते हैं इसके इससे बार्गेनिंग करते हैं कितने में देती है ये आंटी भी। कैसा लग रहा है? देखो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है। देखो ये वाली शॉप है, तो यहाँ से हमने शूज़ लिया है और काफ़ी रिजनेबल रेट में मिला है। हमने काफ़ी दूसरी शॉप में चेक किया था, लेकिन यहाँ पे हमको सबसे सस्ता मिला, ये आंटी जी ने हमको दिया है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी ब्रांड आइटम के शूज़ चाहिए कॉपी, तो वो आपको यहाँ पे MBK में मिल जाएंगे, ये आंटी जी है, ये आपको डिस्काउंट दे देगी यहाँ पे आओगे तो। इसीलिए मैं बाहर नहीं निकलता, लेने आई थी तेरी चीज़ें और हमारा खर्चा हो गया, ये इधर ऐसा ही है यार। लेने के लिए कुछ किसी और की चीज़ें ले आते हो आप, और यहाँ पे अपनी चीज़ में खर्चा हो जाता है। नहीं चाहिए होता है तो भी क्या है कि ऐसा होता है कि चलो ले लेते कुछ नहीं, लेकिन अच्छे शूज आ गए। गजब टू भी आ जाती है। ये देखो आपको यहाँ पे क्रिस्टल का ऐसा ब्रेसलेट भी चाहिए होगा तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे सब ब्रांडेड जो भी कार्टियर या फिर वैन क्लिप और ये सारी ब्रांड रहती है उसके बैंगल वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। शास्त्री का भी बैंगल है यहाँ पे, तो ऐसे सारे आपको ब्रांड के जो कॉपी रहते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये लोग चाइनीज लोग और थाई लोग जैसे क्रिस्टल के ब्रेसलेट बहुत पहनते हैं, तो ऐसा कुछ आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। हम लोग ये सुवेनियर की शॉप में आ चुके हैं, ये इसका वीडियो भी मैंने आपको लास्ट टाइम जब MBK में आया था तभी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे सारे अच्छे अच्छे सुविनियर मिलते हैं, और ऐसा कोई आपको डेकोरेशन वगैरह का सामान चाहिए तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप MBK मॉल में आओ तो ये शॉप से ले सकते हो। ये शॉप का मैं आपको बाहर का भी नज़ारा दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है समझ में आए कि शॉप कौन सी है और कौन सा नंबर है। ये देखो ये बाहर ऐसा है, और ये शॉप का नाम आप देख सकते हो फूड थाई सुविनियर शॉप है, काफ़ी बड़ी है। तो आपको यहाँ पे सारी ही सुविनियर वाली शॉप डेकोरेशन वाली चीज़ें जो है वो सारी मिल जाएगी यहाँ पे। ये अलग अलग तरह के डिफ्यूज़र है, इसके अंदर जो है अपने को दिया जैसे जलाना पड़ता है और ऊपर लिक्विड रखना पड़ता है तो अच्छी स्मेल आती है।
ये सारे लिक्विड है इसके, ये रहा ये सारे लिक्विड है, तो इसमें से कोई भी लिक्विड डालना होता है। हीरो को देखो केप ले रहा है। हाँ भाई हीरो ही दिख रहा है तू, चटक चूतिया लग रहा है। नहीं इधर कैप की शॉप है तो यहाँ से कैप ले रहा है। कितने की बोल रही है? 250 में सही है, 250 नहीं दे सकते इसका। देखो ये जो शॉप है इसमें सारे ब्रांड के कपड़े की कॉपी मिलती है, फर्स्ट कॉपी यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे जो रणवीर सिंह वगैरह कपड़े पहनते हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे जो ये शॉप है यहाँ पे सब स्टोन की ज्वेलरी मिलती है, तो यहाँ पे ये भाई खड़े हो गए, उसको कुछ स्टोन का ब्रेसलेट लेना है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे रियल स्टोन के ब्रेसलेट्स हैं। देखो भाई तो बात कर रहे हैं और सारी चीज़ें उसको जो चाहिए वो उनको पूछ रहे हैं, अभी देखते हैं उसको लेता है कि नहीं लेता है। तब तक मैं आपको ये शॉप दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है। सब ज्वेलरी देख सकते हैं इन लोगों ने क्या मस्त मस्त बनाई है स्टोन से। अगर आप ऐसा कुछ स्टोन से बनी ज्वेलरी ढूंढ रहे हो तो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी रात के 8 बज गए, अभी हम लोग MBK से निकल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हो गई आज तो। और वैसे भी इंडिया जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेना हो ही जाता है, शॉपिंग ज़्यादा हो ही जाती है। एक तो इधर से जाओ तभी शॉपिंग हो जाती है, वापस इंडिया से जाओ तो वहाँ पे शॉपिंग हो जाती है इंडिया में, तो ऐसे चलता रहता है। तो चलिए ये वीडियो को करते हैं यहीं पर, और आपको मैं मिलता हूँ कई और नए टॉपिक के साथ कोई और नए वीडियो में, तक के लिए बाय।